हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस वक्त में इस पर्सन की, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आज आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर इस वक्त की फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है गाइस, बस आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है इस पर्सन की इस वक्त में मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स, इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है यूनिवर्स गाइड कीजिए। और पहला आया है आपका रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, सेकंड वन इज सैक्रल चक्रा, थर्ड वन इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस वक्त में इस पर्सन की, यहाँ पे एक ऑलरेडी खुला हुआ था, मूविंग ऑन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। और यहाँ पर आया है आपका लव बिगिन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड के मामले में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। तो पहला आया है पार्टिसिपेशन, सैक्रल चक्रा के मामले में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए। सेकेंड वन इज सिजोफेनिया, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के मामले में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है यूनिवर्स इस वक्त में गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए हमारे, फ्रेंडलीनेस एंड गिल्ट। मूविंग ऑन के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। और यहाँ पर आया है आपका सौरव, लव बिगिंस के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। और यहाँ पे आया है आपका द ड्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और नंबर टू तो मुझे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी मंथ, काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको नंबर ट्रिपल टू भी दिखाई देता हो। उसके अलग यहाँ पर नंबर सिक्स यानी कि जून मंथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग से कि इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बेनतहा सपनों में देख रहे हैं। आप इनकी मेमोरीज में हो, चाहे फिर ये डे ड्रीमिंग करते हो आपके मामले में, या फिर इन्हें आप ख्वाबों में ही क्यों नहीं दिखाई देते हो। और ये दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी एक नई शुरुआत चाहते हैं। डीप इनसाइड इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और आपके साथ यही फीलिंग्स इन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए बार बार उकसाता है। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की आई है, चाहे फिर ये ख्याली पुलाव ही क्यों ना बनाते हैं वो आपको लेकर। और ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है जिसमें इन्हें बेसिकली आपसे मूव ऑन करना है या आपसे दूर जाना है, लेकिन ये पर्सन ना चाह कर भी दूर नहीं जा पा रहे। चाहे फिर आपको अपना एटीट्यूड दिखाने की वजह से इन्हें दूर जाना हो, अपने ईगो पे इन्होंने कोई ऐसी बात ले ली हो इस वजह से इन्हें दूर जाना हो आपसे, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे। इस मामले में ये अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं। इस मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे क्यों दूर नहीं जा पा रहे। ये बात इस पर्सन को डीप इनसाइड काफी ज्यादा दर्द पहुंचा रही है, काफी ज्यादा लोनली फील करा रही है। और इनके मन में
ऐसी बातें सोच सोच कर कि आपसे ये क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, इन्हें अपने आप पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये आपके साथ आज भी इस रिश्ते में क्यों होप देख रहे हैं, क्यों नई शुरुआत चाहते हैं। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप अपने पर्सन से मैरिड हैं, या फिर ये भी चांसेस हैं कि आप में से काफी लोगों का जो रिश्ता स्टार्ट हुआ था वो दोस्ती से स्टार्ट हुआ था विद दिस फ्रेंडलीनेस कार्ड। काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में दिखाई दे रहे हैं और काफी लोगों को तो यहाँ पर 11-11 नंबर भी दिखाई देता होगा। ये पर्सन ना आपके साथ रीयूनियन ही चाहते हैं। इनके इंट्यूशंस इन्हें बार बार आपकी तरफ बढ़ने के लिए इशारा करती है, बार बार एक रीयूनियन की शुरुआत करने के लिए इन्हें उकसा रही है, लेकिन इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है विद दिस सिज़ोफ्रेनिया कार्ड। काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और यहाँ पर इनका कंफ्यूजन का कारण ये दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें आपके साथ करी हैं गलत, जिस चीज का इस पर्सन को गिल्ट है और वही गिल्ट इस पर्सन को आपसे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है, और यही चीज ये गिल्ट इस पर्सन के दिमाग में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट चलाती रहती है कि इस गिल्ट से कैसे निकले, कैसे पश्चाताप करें, कैसे आपकी तरफ रीयूनियन का ऑफर लेकर आए। और आज की डेट में ये पर्सन आपको एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं कि अगर इनके साथ आपका रिश्ता सेट हो जाता है या आप लोग एक रीयूनियन में आ जाते हो, मतलब आप लोग मिल जाते हो, तो बेसिकली इनकी लाइफ में जितने भी रिवॉर्ड्स है ना वो सब मिल जाएंगे, इनकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओवरऑल इन्हें कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता है कि आपके साथ सब कुछ कंप्लीट ही होने वाला है, उसके बाद कुछ अधूरा नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है डीपली, लेकिन इन्हें ये लग रहा है डीप इनसाइड कि भाई कैसे शुरुआत करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी चीजें खराब हो गई हैं, ऑलरेडी आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या इन्होंने, हो सकता है आपको एटीट्यूड दिखाने के लिए आपसे मूव ऑन भी करा हो। तो टैरो से देखते हैं तो और आइडिया होता रहेगा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड के मामले में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फर्स्ट वन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स आ गए हमारे, टू ऑफ सोर्ड्स, अगेन टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पास में डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ रीयूनियन में आने में या फिर मैरिज में आने में, कमिटमेंट में आने के मामले में ना कंफ्यूज्ड थे, या तो ये दो सिचुएशंस के बीच में अपने आप को फील कर रहे थे, या फिर एक ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे थे जिसे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और इसी रीजन की वजह से इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है, आपसे मूव ऑन करा है, जिस चीज का डीप इनसाइड इस पर्सन को गिल्ट होता है। और ये पर्सन ना इसी गिल्ट को, इसी बात को अपने सीने से लगाकर बैठे हैं, इस बात से ये अपने आप को ही नहीं उभार पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी काफी चीजें गलत कर ली हैं, और फिर जब यही इस चीज से उभर नहीं पा रहे हैं तो ये ऐसा भी डीप इनसाइड सोच रहे हैं कि आप तो कैसे उभर पाओगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो आपके साथ करा है, करने वाले ये थे, जिसके ऊपर बीती है तो वो तो और ज्यादा बीती होगी, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो अब आपके साथ एक स्टेबिलिटी के ख्वाब देख रहे हैं या आपके साथ स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, अब उस मामले में वो बात नहीं रहेगी, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशंस चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, आपको एक रिवॉर्ड की तरह, एक विश की तरह जो देख रहे हैं, लेकिन अब वो विश इनकी फुलफिल तो हो सकती है अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहेगी जो ये एक्सपेक्ट करते थे अपनी लाइफ में। तो इन्हें ऐसा डीप इनसाइड फील हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के सिचुएशन में काफी दर्द, काफी पेन, काफी गिल्ट, काफी कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आ गया है, तो ऐसा इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चलता है, और इसी रीजन की वजह से अगेन ये अपने आप को क्रॉस रोड पर फील करने लगते हैं, ठीक है। सैक्रेड चक्रा के मामले में इस पर्सन की क्या डीप फीलिंग्स है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सैक्रेड चक्रा के मामले में इस वक्त इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, तो यहां पर आया है फोर ऑफ सोर्ड्स, द सन इन रिवर्स, पेज ऑफ
पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके आपके पार्टनर और आपके बीच में एज गैप हो। नंबर 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि नवंबर मंथ। देखो भाई, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप तो हुआ हुआ है, सेपरेशन हुआ हुआ है, जो चीजें ना कहीं आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। और इस पर्सन को ये चीजों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपकी खुशियां छीन ली हैं आपसे, और क्योंकि आपकी खुशियां छीनने वाले भी ये खुद ही हैं, इसीलिए इन चीजों का आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ा होगा। ये चीजें भी इस पर्सन को डीप इनसाइड फील हो रही है, चाहे फिर वो फिजिकली हेल्थ पर असर पड़ा हो या इंटरनली आपने इन चीजों को झेला हो। तो ये पर्सन ऐसा काफी ज्यादा सोचते हैं डीपली, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बात भी यहाँ पर दिख रही है। इसीलिए ये पर्सन ना आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के गट्स नहीं रख पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक होता है ना कि भाई किस मुंह से आपकी तरफ जाएंगे, क्या बात कहेंगे कि भाई हाँ मैं वापस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, वापस से डिच करने के लिए आप ये इनसे सवाल करोगे कि आप क्यों आए हो वापस से डिच करने के लिए, वापस से जाने के लिए। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाह कर भी अपने आप को आज भी क्रॉस रोड पर फील कर रहे हैं। उसके अलग इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि अब ना आप इनके मामले में ऐसा भी सोचते हो कि ये पर्सन काफी ज्यादा इमैच्योर है। एक रिलेशनशिप को चलाना इस बंदे को या बंदी को आता ही नहीं है, आपके थॉट्स इनके मामले में ऐसे होंगे, या फिर आप अब इनके मामले में ऐसा सोचते हो कि इस पर्सन ने मुझे डिच करा है, एक प्लेफुल वाली एनर्जी में ये मेरे साथ आया, कुछ आया या आई, कुछ वक्त इन्होंने बिताया और आपका दिल तोड़कर, आपको इतने जख्म देकर ये आपकी लाइफ से चले गए। तो ये इस पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और यही रीजन है कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये चीजें दिख रही है। इन्हें कहीं ना कहीं डीप इनसाइड फील हो रहा है कि आपकी लाइफ की जो खुशियां गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से गई है। ठीक है, जिस चीज का इस पर्सन को डीप इनसाइड काफी ज्यादा गिल्ट भी हो रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या डीप फीलिंग्स हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के मामले में इस पर्सन की डीप फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड टू ऑफ कप्स अगेन आया है। नंबर टू तो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फरवरी मंथ। भाई देखो, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का इन्फ्लुएंस आया है, किसी तरह की लड़ाई हुई है या किसी की का दिमाग यूज करा गया है आप लोगों के रिश्ते में। हालांकि ये पर्सन अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पास्ट में आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था ना, वो काफी लोगों की वजह से हुआ था। काफी लोग में इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली काफी लोगों का इन्फ्लुएंस था आप लोगों के बीच की दूरियों के मामले में, जिस चीज का भी अब डीप इनसाइड इस पर्सन को गिल्ट होता है कि इन्होंने उस वक्त में इन लोगों को इस रिश्ते में क्यों घुसाया, क्यों इन्वॉल्व करा या इनकी बातों में ये क्यों आए। अपनी दोस्ती को, अपने प्यार को, अपने रीयूनियन को कहीं ना कहीं जो रोका है, जो स्टैग्नेशियस एनर्जी को लेकर आए हैं, ये खुद से लाए हैं इन लोगों को लाकर आप लोगों के रिलेशनशिप में। प्यार और रिश्ता ये दो जनों का था, लेकिन इन सब रिश्तों के बीच में काफी लोगों को इन्वॉल्व इसी पर्सन ने करा है, जिस चीज का इन्हें गिल्ट हो रहा है। आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाह रहे हैं, आपको बेनतहा याद कर रहे हैं, आपको बेनतहा स्पाई कर रहे हैं, आपकी जो भी इनके पास मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज, उन्हें बेनतहा याद करके ये पर्सन गिल्ट ले रहे हैं कि इन्होंने ना खुद से आपको गवा दिया, खुद से खो दिया, और अब ये आपकी तरफ कैसे बढ़े। ऐसा गिल्ट इस पर्सन को बेनतहा आपके मामले में हो रहा है, क्योंकि ये डीप इनसाइड चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन में आना। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या डीप फीलिंग्स है यूनिवर्स। गाइड कीजिए, बताइए
फाइव ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, भाई काफी लोगों के केस में यहाँ पर तो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। अगेन गिल्ट का ही कार्ड आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ कप्स। नंबर फाइव यानी कि मई मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, ये जो मूविंग ऑन का कार्ड आया है, ये इसको क्लैरिफाई करते हुए ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों का, ये उस लड़ाई झगड़े को, उस फाइटिंग को ना पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कि वो जितने भी संघर्ष आप लोगों के बीच में आए थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में आए थे, उन झगड़ों को, उन संघर्षों को, उन स्ट्रगल्स को पीछे भुलाकर ये आपकी तरफ डेफिनेटली ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के मन में ना काफी ज्यादा दर्द भी है, काफी दुख है उस चीज का, क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है ऐसा बर्ताव कर, आपके साथ ऐसा बिहेवियर करके। तो इस पर्सन को रियलाइज तो हो रहा है कि हाँ, इन्होंने काफी कुछ गलत कर दिया है इस रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ये तो रियलाइज हो रहा है कि हाँ, इन्होंने गलत करा आपके साथ, अगर रिश्ते में शुरुआत करनी है तो इन बातों को भुलाकर ऑफर लेकर इन्हें ही जाना चाहिए। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे वापस से आपको अपनी डेस्टिनी में लेकर आया जाए, कैसे ये समय का पहिया वापस से फिर से अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। तो ये पर्सन ना इस मामले में काफी ज्यादा सैड एनर्जी में है, काफी परेशान है, काफी नेगेटिव थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं इस मामले में कि चलो एक बार नई शुरुआत आपकी तरफ कर भी ली जाए, वो फाइटिंग को, वो सब लड़ाई झगड़ों को पीछे भुलाकर, वो कड़वाहट को पीछे भुलाकर, ऐसा इस पर्सन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो डीप इनसाइड इनके मन में है, डेफिनेटली है आपके साथ नई शुरुआत करना, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन का मुंह नहीं पड़ रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। लव बिगिंस के मामले में इस पर्सन की क्या डीपेस्ट फीलिंग्स है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। लव बिगिन के मामले में तो पहला आया है डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार इन रिवर्स, द एम्प्रेस। ठीक है भाई, देखो पहली चीज तो ये पर्सन ना आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और इसी रीजन की वजह से ये आपके मामले में काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर सपनों में भी आप इन्हें एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में ऑलरेडी हो गई है, इस तरह के ख्वाब भी इस पर्सन को काफी ज्यादा आते हैं। ये पर्सन ना समझ रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते का ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर कोशिश करी जाए, लेकिन वो कोशिश इनकी तरफ से करी जाएगी तभी इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को आपके मामले में अब कंफ्यूजन भी है कि आप ऑलरेडी इतने ज्यादा चार्मिंग थे, या इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, या इतने गट्स आप रखते हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है तो आप अपने आप पर भी काम कर सकते हो। यानी कि आज की डेट में ये पर्सन आपको एक ऐसे नजरिए से देख रहे हैं कि आप में वो काबिलियत है कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप काम कर सकते हो। और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन ना अपना होप खो रहे हैं कि इन्हें, कि आपको अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन्हें भले आपकी जरूरत हो लेकिन इनके दिल में आपके लिए ये है कि शायद अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो गट्स रखते हो, इनके बिना रहना आपको आता है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है डीप इनसाइड। ठीक है, या फिर ये भी चांसेस है कि इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि भाई आप रह रहे हो अपने आप में मस्त। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जो भी सिचुएशन आई है उस मामले में। गाइड टीचर वर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन के मामले में। तो पहला आया है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफल, दूसरा आया है डिसेट, तीसरा आया है हीलर ऑफ द एजेस। एक कार्ड और देख लेते हैं,
एंजल ऑफ लव। तो देखो बेसिकली जो आपके पर्सन सोच रहे हैं ना, इनके जो डीप थॉट्स है आपके मामले में, आपके कार्ड्स इसी तरह के आए हैं, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका दिल इस पर्सन ने पूरी तरह से तोड़ रखा है, आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक हुआ हुआ है, और डेफिनेटली अब आप इनके मामले में ऐसा ही सोचते हो कि ये बहुत मैन्युपुलेटिव पर्सन है और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए थे और वापस से आपकी लाइफ से चले गए। तो ये पर्सन डीप इनसाइड जैसा सोच रहे हैं ना, वही आपके साथ भी हो रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आई है, ठीक है। आपका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसी रीजन की वजह से आप अपनी लाइफ में किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हो। आपने अपना हार्ट चक्रा को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, काफी ज्यादा पेन में हो। हमारा सवाल है इन चार कार्ड से कि भाई आपको क्या करना चाहिए। भाई आपको पहले तो दर्द से हील होना होगा, हीलर ऑफ द एजेस, अपने फोर्थ चक्रा पे यानी कि हार्ट चक्रा पे काम करना होगा और आपको भरोसा रखना होगा प्यार पे, जो आप करना भूल गए हो। आप भरोसा रखना ही भूल गए हो भगवान पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, आपने काफी हद तक छोड़ दिया है भरोसा करना। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप भरोसा रखिएगा प्यार पे भी, भगवान पे भी, यूनिवर्स पे भी, और अपने आप पे काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दर्द में हो। मैन्युपुलेटिव लोगों से डेफिनेटली बचने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लो, अभी भी आपको किसी पे तुरंत भरोसा नहीं करना है, ऐसा भी यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छी रीडिंग आई है गाइस, आई होप आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।